बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात तमाम देखने वालों को और तमाम बहन भाइयों का अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है तो विलेज में भी बहुत गर्मी पड़ रही है। आज हम बनाएँगे कोल्ड काफ़ी, बहुत मज़ेदार है पीने में। तो खेतों में हम लोग खेतों में ही बनाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी कोल्ड काफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ़ी डालेंगे और ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो हम शामिल करेंगे प्याले के अंदर। 5 चम्मच के करीब बनता है ये वाला चम्मच। तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह की बनाने चाह रहे हैं इसे तकरीबन 4 गिलास जो है वो हम बनाएंगे। तो अभी इसमें हम डालेंगे नीम गर्म पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी चम्मच चलाते जाएंगे, सही तरह पानी के अंदर ये हल होनी चाहिए। तो पानी जो है वो नीम गर्म ही लेना ज़रूरी है, उससे ये बहुत अच्छी जो है वो हल होगी। तो इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स, चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। हम चॉकलेट बना रहे हैं, कोई भी फ्लेवर से आप बना सकते हैं, और अगर आप सादा बनाना चाहें तो सादा भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम इंशाल्लाह चॉकलेट बनाएँगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोल्ड काफ़ी जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। तो काफ़ी के अलावा हमें दूध चाहिए ठंडा, और ये हमारे पास ठंडा दूध है, घर का दूध है। और उसके अलावा हमें चाहिए चॉकलेट पाउडर और दूध चाहिए, और उसके अलावा एक दो चीज़ और भी चाहिए, वो भी आपको साथ साथ हम बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से हल हो गई है। और इन दिनों में विलेज में जो सीज़न है वो शुरू हो गया है चावल की फसल का, तो कभी धूप निकलती है और कभी बादल होते हैं। तो मौसम जो है वो कुल मिला के काफ़ी अच्छा होने वाला है। अभी बारिशें भी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा काफ़ी को, और अगर आपने अभी तक चैनल जो है हमारा वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो के मतलब अपनी राय से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो काफ़ी अहमियत रहती है हमारे लिए। और हम कमेंट है उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप जो हम गलतियां करते हैं उसकी निशानदाही करते हैं, तो उससे बहुत हेल्प होती है हमारे काम में। ये हमारे पास जूसर मशीन है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे दूध, और ये खालस दूध है। दूध जो है वो फुल फैट लिया हमने। तो अभी इसमें हम डालेंगे ये जो कॉफ़ी है, और ये आधी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच इसमें चॉकलेट पाउडर जाएगा। चीनी डालेंगे हम तकरीबन इसमें 2 से 3 चम्मच। तो पहले मैं सोच रहा था कि इसको 2 दफ़ा करके हम बनाते हैं, 4 से 5 गिलास बनेगी ये। तो अभी चूँकि मुझे लग रहा है कि ये एक ही दफ़ा में बन जाएगी इंशाल्लाह, तो अभी सारा दूध हम शामिल कर देते हैं और बाकी जो चीज़ें और बची हैं वो भी सारी शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और ये दूध जो हमारा ये आधा किलो से ज़्यादा है, काफ़ी जो बचाई थी हमने वो भी सारी डाल ली है। चॉकलेट पाउडर जो है वो 1 चम्मच और डाल लेते हैं हम, चीनी भी डाल लेते हैं। तो अभी इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम, किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं आप, इससे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम डालेंगे ऊपर आइसक्रीम, किसी भी फ्लेवर की डाल सकते हैं। थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर जो है वो डाल देते हैं ऊपर। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइस ये पहले भी डाल सकते हैं आप बर्फ़, लेकिन सच बताऊं तो मेरे जहन से निकल गया हुआ था, तो मैं भी डाल रहा हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह कोल्ड काफ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी हम टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। हाँ जी मुकल्लफ भाई, कैसी बनी काफ़ी? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी हम करम भाई, बहुत मज़ा। हाँ जी अम्मी जान, कैसी बनी? माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। मौजूम भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ा आ गया। असल में गर्मियों में ठंडी चीज़ अगर पीने को मिल जाए, वो भी दोपहर के टाइम पे, तो क्या ही बात होती है। और मुझे तो वाकई बहुत मज़ा आया, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा पी हुई है। और अम्मी जान फर्स्ट टाइम पी रहे हैं, और मौजूम भाई मुकल्लफ ने भी पहले पी हुई है, तो आज मैंने सोचा था कि ज़रूर घर वालों को ये ट्राई करानी है। तो बाहर से बहुत एक्सपेंसिव होती है, घर में आसानी से और कम खर्चे पे आप बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मतलब अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।